अब खबरें विस्तार से। पिछले 28 सालों से स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आजीविका कमा रही सीता देवी ने अपनी अलग पहचान बनाई है। हमीरपुर जिला के नडियाना सिडियाना गांव की निवासी सीता देवी ने स्वयं सहायता समूह के जरिए न केवल हमीरपुर को प्रदेश में पहला स्थान दिलवाया है, बल्कि अब तक 500 से ज्यादा महिलाओं को स्वरोजगार से भी जोड़ा है। वही सीता देवी स्वयं सहायता समूह के बनाए गए उत्पादों को बेचकर महीने में 15 से 20 हजार रूपए की आमदन से आर्थिकी को सुदृढ़ बना रही है। पिछले 28 सालों से स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आजीविका कमा रही सीता देवी ने अपनी अलग पहचान बनाई है। हमीरपुर जिला के नडियाना सडियाना गांव की निवासी सीता देवी ने स्वयं सहायता समूह के जरिए न केवल हमीरपुर को प्रदेश में पहला स्थान दिलाया है, बल्कि अब तक 500 से ज्यादा महिलाओं को स्वरोजगार से भी जोड़ा है। वही सीता देवी स्वयं सहायता समूहों के बनाए गए उत्पादों को बेचकर महीने में 15 से 20 हजार रूपए की आमदन से आर्थिकी को सुदृढ़ बना रही है। गौरतलब है कि मनु स्वयं सहायता समूह नडियाना सडियाना के द्वारा लंबे समय से महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को बेचने का काम किया जा रहा है। स्वयं सहायता समूह के द्वारा बढ़िया अचार, चटनी, सेविया के अलावा हाथों से निर्मित गर्म कपड़े, सजावट का सामान तैयार किया जाता है, जिन्हें लोग भी बड़े चाव से खरीदते हैं। यही नहीं, सीता देवी को वर्ष 1998 में हमीरपुर का सर्वश्रेष्ठ स्वयं सहायता समूह होने का इनाम भी मिला है। देसी मेथी बड़िया मांगिया बड़िया क्या बोलना, कुछ नहीं गलाई सकते। बोलते भाई हूँ नौ नौ ही करनी है उपरा चक्का। सीता देवी ने बताया कि सरकार के सहयोग से 2 बार मदद मिली है और इस कारण ही अब उत्पादों को बेचने के लिए ब्लॉक के द्वारा दी गई दुकान में हाथों से बनाए गए प्रोडक्टों को बेचती हूं। उन्होंने बताया कि महिलाओं को अचार, चटनी, सेवियां इत्यादि बनाने के लिए प्रेरित करती हूं, ताकि महिलाएं भी आत्मनिर्भर बन सकें। सीता देवी ने कहा कि महिलाओं को फ्री नहीं रहना चाहिए और समय की कदर को जानना चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं को मुसीबतों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि मेहनत करने से सफलता जरूर मिलती है। 1992 से काम कर रही हूँ मैं, तो हर जगह जाना मेरे को, जहाँ भेजते हैं शिमला में गई मैं, वहीं से भी मेरे को नाम मिला हमीरपुर जिले का। फिर बिलासपुर में भी गई, जहाँ भी भेजना मेरे को मैं जाती थी, तो मेरे साथ जुड़ी है 500 से ज़्यादा महिलाएं जुड़ी थी। तो ग्रुप ग्रुप में मैं आंगनबाड़ी में भी ट्रेनिंग दे चुकी हूँ, टौणी देवी में भी दी मैंने, हमीरपुर में भी दी अणु में ट्रेनिंग लड़कियों को। तो उन्होंने अचार बनाना वगैरह, थ्योरी वगैरह लिखाई उनको, सबको, सब बच्चों को, लड़कियों को। तो मैं अपने घर में भी औरतों से काम करवाती हूँ, सब इकट्ठे होके एक जगह में हमने लगाया हुआ मशीनें लगाई हुई हैं, सेवियाँ दी भी, बड़ियों दी भी, वहाँ पर औरतें काम करती हैं मेरे साथ, सब जुड़ के काम करती हैं। क्या क्या प्रोडक्ट बनाते हैं? तो वहाँ बड़ियाँ बनाते हैं, सीरा बनाते हैं, फिर अचार मैं अपने घर में बनाती हूँ, गलगल का अचार, नींबू का अचार, मिर्चा का अचार, जो भी चीज़ मतलब डिमांड आती है मेरे पास, उनको मैं पूरी करती हूँ। कभी 2 किलो की डिमांड आ जाएगी, 10 किलो की आ जाएगी, तो मैं उनको सबको देती हूँ, ग्राहकों को सबको देती हूँ। कोटियों की भी आती है डिमांड, कोटियाँ भी बनाती हूँ, तो बड़ियाँ भी, सीरा, सेवियाँ, सब कुछ, त्रिफला चलता है। जो भी चीज़ मेरे से मतलब गांव में लोग नहीं आ पाते हैं, उनसे लेके यहाँ दुकान में बिक्री केंद्र बनाया हुआ मैंने, सब ले जाते हैं, दफ्तर के भी, बाहर लोकल भी सब ले जाते हैं। तो सरकार से भी कभी मदद कर? हाँ, ये 2 बार ली थी मैंने मदद भी ली थी, 2 बार दी है। ब्लॉक वाला ने मेरे को ये दुकान दी है, मेरा सामान बच जाता था मिलों से, तो मैं अब यहाँ पर बिक्री केंद्र में देती हूँ सबको। आप एक महिला हैं, क्या मानती है कि आगे महिलाओं को कितना अच्छी है? मैं सोचती हूँ कि जितनी भी महिला मेरे पास आती हैं कि बहन जी मेरे को भी बताओ, मैं सबको बताती हूँ कि ऐसा ऐसा करो। कभी औरत दूसरे पर नहीं रह सकती, निर्भर नहीं रह सकती है, अपना जो 4 पैसे होते हैं वो अपने काम आते हैं। सबको बताती हूँ मैं, गरीब गरीब महिला को भी बताती हूँ, गाँव में भी बताती हूँ कि आप ऐसा करो, ऐसा करो, आप ऐसा चार डालो, मेरे को दो, मैं भी आगे मैं बेचती हूँ,
तो मेरे पास दिया करो आप, मैं बेचूंगी। तो आप वो बनाती हैं, हल्दी पैदा करती हैं, वो मेरे को देती हैं। जब भी उनके पास सामान होता है वो मेरे को बोलती हैं कि आप ले जाओ मेरे पास इतना पैसा, मैं उनको पैसा दे के ले आती हूँ। महिलाओं को क्या संदेश देना चाहिए? महिलाओं को यही संदेश देना चाहती हूँ कि हर औरत का कीमती समय जो है वो बहुत ही कीमती समय है, अपने काम में लगाओ, बेली बैठ के मत टाइम पास करो, अपना कुछ ना कुछ करते रहो। महिलाओं के लिए मैं यही कहती हूँ, सब गरीब महिलाओं के लिए, कोई औरत ऐसी नहीं रहेगी किसी के निर्भर नहीं रहेगी किसी के ऊपर भी। धन्यवाद। मुश्किलें भी आती थी, घर भी चलाना होता था, भैंसें भी थी, गायें भी थी, फिर मेरे को बाहर भी जाना पड़ता था, तो मैं इधर उधर बोल के अपने बाहर भी कर लेती थी, 8-8 दिन बाहर भी चले जाना, शिमला में भी जाना। मैंने मीरपुर का ब्लॉक रोशन किया है, नाम लिया है, कमाया है, मैं मतलब मेरे को खुशी होती थी इस काम करके, बहुत खुशी होती थी मेरे को। हाँ जी। स्थानीय महिला कौर ने बताया कि स्वयं सहायता समूह के द्वारा बढ़िया सामान बेचा जाता है और सभी प्रकार के घरेलू निर्मित उत्पाद यहाँ पर मिलते हैं। अच्छा सामान बेच दे अनंत जी। क्या क्या सामान मिलता है? एक बड़ियां भी मिल दिया, सेवियां भी मिल दिया, सीरा भी मिल दा, सौंफ भी, सब कुछ मिला थी, देसी माल। कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता जी।